मेरा एक प्रश्न रखना चाहूँगा महाराज जी, ये भावना योग से रिलेटेड है। सो महाराज जी, भावना योग का जो जो चमत्कार है हमने लास्ट 10 दिनों में देखा ही है, तो उसमें एक मेरी शंका ये है कि हम हमेशा हमारे माइंड को ये कमांड देते रहते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये हम कमांड कंटिन्यू देते हैं। बट हम यदि रियल लाइफ में देखते हैं महाराज जी, तो रियल लाइफ में चारों तरफ का एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे आपको हर तरीके से, जिसे कहते हैं श्याम दान दंडवेद, हर तरीके से आपको इस दुनिया में रहना होता है, सब संभालना होता है। तो एक तरफ तो हम अपने माइंड को ये कमांड दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हम सब अच्छा ही करेंगे, दूसरी तरफ जैसे ही हम संसार में जाते हैं तो वहाँ पे सब नेगेटिविटी होती है। तो महाराज जी, इसका सामंजस्य कैसे बैठाया जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। हम भावना कुछ भाते हैं और करते कुछ हैं। जो हमारे भाव हैं वो विशुद्ध हैं और हमारा जो व्यवहार है वो बड़ा विकृत हो चला है। बात सही है, व्यवहारिक जगत में व्यक्ति को व्यवहारिक स्तर पर ही काम करना होता है और वो बड़े उलझन भरी स्थितियाँ हैं। आपने पूछा है कि हम सुबह सुबह भाव तो कुछ और करें और काम कुछ और करें, तो तालमेल कैसे बनाए? देखिए, बात ऐसी है कि जो हम भाव करते हैं उसमें भी हम ज़्यादा अपने आप को रचने पचने से बचा सकते हैं। अगर आप सुबह से भावना योग करते हैं तो आपके अंदर के इमोशंस पर कंट्रोल आ सकता है, आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ सकती है, आपके जीवन में सहजता आ सकती है, आपके जीवन में शांति आ सकती है। इमोशंस पर कंट्रोल, पॉजिटिविटी, सहजता, शांति और स्थिरता जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। आप किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस से भी जुड़े हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको ये नहीं बताया जाता भावनाओं पर नियंत्रण रखो? बिल्कुल बताया। आपको ये नहीं कहा जाता कि पॉजिटिव रहो? ये नहीं कहा जाता कि हर मामले की तीखी प्रतिक्रिया मत दो, शांत रहो? ये नहीं समझाया जाता कि थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित मत हो, सहज रहो? लीडरशिप के पूरे ये गुण है ना, तो यही तो भावना योग के कमांड है। अपने व्यवहार को भी संयत रखने के लिए और अपने व्यापार में भी प्रगति करना है तो भावना योग उसका श्रेष्ठ आलंबन है। और रहा सवाल अपनी आत्मा के स्वरूप का, वो तो हमारा मूल तत्व है। उसको अगर हम उस भाव बोध से अपने आप को जोड़कर चलते हैं तो हम दुनिया में कहीं भी रहें अपनी शुद्ध बनी रहेगी। और जिस मनुष्य को संसार की सारी क्रियाएं करते हुए भी अपनी शुद्ध बनी रहती है, वो कभी संसार में डूब नहीं सकता। चक्रवर्तियों को कितने तिकड़म लगाने पड़ते हैं, पर उनके बाद भी उन्हें अपने स्वरूप का बोध रहता है। एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की यही पहचान है। घिरे रहो परिवार से पर भूलो न ये विवेक, आया एक का एक था अंत एक का एक। ये समझ हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। हम सब कुछ करते हैं, ये मेरा व्यवहार है, मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे करने लायक क्या है इसकी समझ मेरे अंदर बनी होनी चाहिए।